वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। मौत कब और किस तरीके से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला पानीपत में उस समय सामने आया जब सिर्फ 29 सेकंड की एक घटना की वजह से एक चलते फिरते बुजुर्ग की सांसें थम गई। जी हाँ, महज 29 सेकंड और बुजुर्ग ने दुनिया को कर दिया अलविदा। दरअसल हरियाणा के पानीपत जिले में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग की पटक पटक कर जान ले ली है। मामला जिले के असंध रोड पर बसे सोधापुर गाँव का है, जहाँ 63 साल के दीपचंद गली से गुजर रहे थे, तभी सामने से सांड ने वार कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद घायल बुजुर्ग को आनंद फानंद में पानीपत से सिविल अस्पताल ले जाया गया था। बाद में उन्हें गंभीर हालत के चलते रोहतक PGI अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है। बता दें कि सांड के हमले की पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग हाथों में डंडे के सहारे आराम से चलता हुआ जा रहा है, तभी गली में दो सांड नजर आते हैं। एक सांड बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है। इतने में बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों ना डंडे से डराकर सांड को भगा दिया जाए, लेकिन उसे यह ना मालूम था कि इससे उसकी जान तक जा सकती है। खैर, गली में काफी लोग थे। जैसे ही बुजुर्ग सांड को डंडे से मारने की कोशिश करता है, वह बुजुर्ग पर हमला कर देता है। बुजुर्ग पहले एक बार सांड को डंडा मारता है तो वो बुजुर्ग पर हमला करता है, लेकिन पहले हमले में बुजुर्ग बच जाता है। तभी बुजुर्ग दोबारा से डंडे से सांड को मारता है। इतने में ही सांड बुजुर्ग पर तेजी से हमला करना शुरू कर देता है। सांड अपनी सींगों से बुजुर्ग को ऊपर की तरफ उछालता है और फिर सींग बुजुर्ग के पेट में जा लगती है। इससे बुजुर्ग बड़ी जोर से नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी आसपास खड़े लोग वहां जमा हो जाते हैं और बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत की खबर मिलती है। अब इस खौफनाक वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।